हाय फ्रेंड्स, शतरंज के बिसात हो या फिर जिंदगी के रिश्ते, रिश्ते तो दांव पर लगाए ही जाते हैं। हजारों साल पहले इसे शतरंज का खेल कहा जाता था, आजकल इसे फिल्म की पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मार्केटिंग कहा जाता है, क्योंकि फिल्म हिट कराने के बढ़िया फॉर्मूले होते हैं बनते बिगड़ते रिश्ते, जहां लोग फिल्म की कहानी देखने तो क्या ही जाएंगे। आजकल लोग ये देखने जाते हैं कि ये ब्रेकअप के बाद दो आर्टिस्टों की, यानी कि हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री कैसी रहेगी। इसी तरह की एक केमिस्ट्री आपको दिखने वाली है सलमान की आने वाली फिल्म बॉडीगार्ड में, जिसमें कैटरीना कर रही हैं आइटम सॉन्ग। करेंगी या नहीं, इसकी अटकलें मीडिया काफ़ी समय से लगाता चला आ रहा था, और सलमान ने भी कैटरीना को पर्सनली अप्रोच किया था इस आइटम सॉन्ग के लिए, मगर जिसका जमकर विरोध किया था करीना ने। मगर वो कहते हैं ना कि मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हाल ही में सारी अटकलों के बावजूद इस गाने को शूट कर लिया गया है, आया रे आया बॉडीगार्ड। वैसे ये अच्छी बात है कि कैटरीना और सलमान अपने रिश्तों में कोई कड़वाहट नहीं आने दे रहे, यानी ब्रेकअप के बाद उन दोनों ने अपने एक इस हेल्दी रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। वैसे कैटरीना चाहती तो सलमान को इनकार भी कर सकती थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अभी फिलहाल वो अपने करियर पर ध्यान देना चाहती है, इसलिए अब वो किसी और रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहती। और इसका एक रीज़न और भी है, यानी कि इस आइटम सॉन्ग को करने का एक रीज़न ये भी है कि एलविरा, यानी कि जो सलमान की सिस्टर हैं, वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और अतुल होत्री और एलविरा चाहते थे कि ये आइटम नंबर कैटरीना करें, क्योंकि फिल्म को हिट करने का ये बहुत बढ़िया तरीका है। बढ़िया तरीका तो है, क्योंकि इससे हो जाएंगे एक तीर और तीन निशाने। निशाना नंबर एक, कैटरीना और सलमान के रिश्ते के ब्रेकअप को भुनाना। निशाना नंबर दो, कैटरीना का आइटम सॉन्ग फिल्म को हिट करने के लिए बनेगा बहुत बड़ा नंबर। एंड निशाना नंबर तीन, कैटरीना एक्टिंग से ज़्यादा आइटम सॉन्ग्स पर ध्यान देती हैं, उनको आइटम सॉन्ग करने में ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए इसी बहाने उन्हें मिल जाएगा एक और आइटम सॉन्ग, यानी एक और आइटम सॉन्ग उनकी झोली में आ जाएगा, समझे, या फिर ट्यूशन दे दूँ। अरे कहाँ, यहीं क्यों भूल जाते हो यार, इट्स रूमी अनसेंसर्ड।